In this video, I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection of Bollywood film Dawn. दोस्तों मूवी का पूरा नाम है डॉन द चेस बिगन्स अगेन, जो रिलीज हुई थी 20 अक्टूबर 2006 को और ये एक बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी गई थी। इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर तीनों एक ही है जिनका नाम है फरहान अख्तर। इसके एक और प्रोड्यूसर है रितेश सिद्धवानी। अब बात करते हैं कास्ट की। इसमें शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन रामपाल, बोमन ईरानी, ईशा कोप्पिकर, ओम पुरी और चंकी पांडे लीड रोल और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। इसके अलावा फिल्म में काफी सारी कास्ट नजर आई थी। फिल्म को वर्ल्ड वाइड 800 स्क्रीन्स में रिलीज किया गया था। उस टाइम स्क्रीन काउंट्स काफी कम होते थे। ये फिल्म क्लैश हुई थी सलमान खान और अक्षय कुमार के फिल्म जाने मन के साथ, यानी कि दोनों ही फिल्में सेम डे रिलीज की गई थी। अब बात करते हैं फिल्म के रीमेक्स वगैरह की। 1978 में एक बॉलीवुड फिल्म आई थी डॉन, उसका नाम भी डॉन था, जिसमें अमिताभ बच्चन लीड रोल में नजर आए थे। अब ये जो डॉन है ये उसी डॉन का रीमेक है जिसका साल 2011 में सीक्वल आया था डॉन 2 के नाम से, और उसमें भी शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा को लीड रोल में लिया गया था। अब डॉन साल 2006 वाले का तमिल में एक रीमेक बनाया गया था तमिल में साल 2007 में, जिसमें साउथ के सुपरस्टार अजीत कुमार डॉन के रोल में नजर आए थे। चलिए अब आगे बात करते हैं शाहरुख खान के रोल की। अब जैसे कि इसमें शाहरुख खान का जो रोल है डॉन का, अब फिल्म के डायरेक्टर है फरहान अख्तर। अब उनकी जो इस रोल के लिए डॉन के रोल के लिए जो पहली चॉइस थी वो थी ऋतिक रोशन। फिर बाद में फरहान अख्तर ने सोचा कि जो ऋतिक रोशन का लुक है वो भोला भाला लुक है, यानी कि इनोसेंट लुक है, तो वो लुक जो है वो डॉन के रोल के लिए फिट नहीं बैठेगा। फिर उन्होंने सोचा कि डॉन के रोल के लिए कोई ऐसा करेक्टर होना चाहिए जो मैच्योर दिखे और ऊपर से पॉपुलर हो। फिर उन्होंने ये रोल दिया शाहरुख खान को। और इसमें जो अर्जुन रामपाल का रोल था वो पहले ऑफर किया गया था अक्षय कुमार को, लेकिन अक्षय कुमार ने वो रोल करने से मना कर दिया। अक्षय कुमार का साफ साफ कहना था कि वो सेकेंडरी रोल नहीं करना चाहते, यानी एक तरह से जो सपोर्टिंग रोल होते हैं वो अक्षय कुमार नहीं करना चाहते। अब बात करते हैं कलेक्शंस की। फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो था 50 करोड़ 35 लाख रुपए का, 50 करोड़ 35 लाख रुपीस का। इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 70 करोड़ 49 लाख रुपीस का। इंडिया से बाहर यानी ओवरसीज मार्केट में 35 करोड़ 85 लाख की कलेक्शन की थी 35 करोड़ 85 लाख रुपए की। और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 106 करोड़ 34 लाख रुपए का, 106 करोड़ 34 लाख रुपीस का। फिल्म का बजट था 38 करोड़ का। अब 38 करोड़ के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था और इंडिया से जो बाहर का कलेक्शन था, अगर हम दोनों को इंक्लूड करके वर्डिट की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि डॉन बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, यानी कि फिल्म के जो ऑफिशियल वर्डिट थी वो थी हिट की। और इसी कलेक्शन के साथ ये साल 2006 की इंडिया के कलेक्शन के पर्पस के हिसाब से, इंडिया का नेट कलेक्शन के पर्पस के हिसाब से ये साल 2006 की बॉलीवुड की 6th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित हुई थी। फिल्म के जो एल्बम है उसके अंदर टोटल 8 गाने थे, सारे गाने सुपरहिट साबित हुए थे। गानों को कंपोज किया था शंकर एहसान और लॉय की जोड़ी ने, और गानों के जो लिरिक्स होते हैं वो लिखे थे जावेद अख्तर जी ने। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।